मिल जाएगा। अब यहाँ देख सकते हैं नीचे में बक्सा ये सब चली है सोनपुर मेला में, और आपको हर तरह का। जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, आभार करते हैं, अभिनंदन करते हैं अपने चैनल ट्रेवल विद दिलीप में। तो भैया हम लोग पहुँच चुके हैं, जी हाँ, पशुओं का सबसे बड़ा मेला सोनपुर मेला। इससे पहले हमने 20 में आपको दिखा दिया था कि कैसा कंडीशन था, तो चलिए इस बार का आपको दिखाते हैं कि सोनपुर मेला कैसा लगा है, मार्केट लगा है कि नहीं लगा है। चलिए शुरू करते इस ब्लॉग को, तो इस ब्लॉग के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सोनपुर मेला स्पेशल ब्लॉग। तो आप देख सकते हैं हम अब एंट्री ले चुके हैं सोनपुर मेला में। आप देख सकते हैं आगे से ये जो गेट बनाया गया है, छठ एवं कार्तिक पूर्णिमा का ये गेट है पहले का ही, लेकिन इसको डिजाइन दिया गया। आप देख सकते हैं आसपास का मार्केट, आप देख सकते हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ, मतलब कि पिछले साल से थोड़ा तो अच्छा है इस बार का सोनपुर मेला। और इधर आप देख सकती हैं बच्चों के लिए आपको जो खिलौने ये सब आपको मिल जाते हैं सोनपुर मेला में। इधर आपको टोपी ये सब आपको देखने को मिलता है, और नीचे में आप देख सकते हैं ये बच्चों के लिए खिलौने यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। और इधर से आप देख लीजिए मार्केट, आपको इधर जो है बैग ये सब दिखेगा, और ये छोटा मोटा जो मार्केट बनाया गया ये सब आप यहाँ पर देख सकते हैं। और हमने आपको दिखाया स्टार्टिंग का मार्केट, मतलब कि कह सकते हैं जो हमने 2020 में जो कवर किया था सोनपुर मेला उससे जो है थोड़ा तो ठीक है भैया 2021 में, जी हाँ, क्योंकि पिछले साल तो कुछ भी नहीं लगा था। जी हाँ, अब अगर अभी तक नहीं देखे हैं कोरोना काल का सोनपुर मेला तो जाकर के देख सकते हैं, लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन में। और अभी आप देख सकते हैं मार्केट लग चुका है। चलिए अब आपको थोड़ा और आगे लेके चलते हैं और दिखाते हैं कि और क्या क्या सोनपुर मेला में मिल रहा है, हाथी घोड़ा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, खाली मार्केट में खाली यही खिलौने खाली बिक रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और थोड़ा आगे बढ़े तो ये आप देख सकते हैं गुड़िया कितना प्यारा प्यारा बनाया गया है, आपको हर साइज़ का गुड़िया यहाँ आपको दिख जाएगा, और यहाँ 150 से लेकर के 500 तक का आपको गुड़िया यहाँ पर मिलेगा। थोड़ा आगे बढ़े तो यहाँ पर बैग हमें दिखा, और ये एक मिठाई दिखा, चलिए इनसे ही जानते हैं इस मिठाई तो कौन सा मिठाई कहते हैं भैया? हलवा पराठा। हलवा पराठा कितने का दे रहे हैं? 35 कढ़ाई। ये देखिए ये आपको सिर्फ सोनपुर मेला में ही दिखेगा भैया ऐसा मिठाई, जी इसका नाम है हलवा पराठा, जो आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको याद आ रहा है, जी हाँ, यहीं पर लगता था मौत का कुआं, जो कि आप देख सकते हैं कितना वीरान अभी दिख रहा है आपको। जी हाँ, यहाँ चूटी ससरने का जगह नहीं होता था, लेकिन आप देख सकते हैं आराम से यहाँ पे साइकिल गाड़ी सब चल रहा है। और अब मैं आपको लेकर के आ चुका हूँ जूते चप्पल के मार्केट में। आप देख सकते हैं यहाँ आपको 250 से लेकर के आपको 1000 तक का आपको जूता चप्पल यहाँ मिलेगा। थोड़ा आगे बढ़ूंगा तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं घरेलू सामान आपको दिख जाएंगे, यदि चलनी दिखेगा, पिरदाई दिखेगा, बेलन चौकी दिखेगा, खुरपी, ये सब सामान आपको दिखेगा जो आप घर में यूज करते हैं। और इसीलिए इस सोनपुर मेला को बोला जाता है, मतलब कि यहाँ पर जो है सुई से लेकर के हाथी तक मिलता है, लेकिन भैया इस बार हाथी आपको नहीं देखने को मिलेगा। खा रहे हैं भैया मटका कुल्फी, आप देख सकते हैं, और सोनपुर मेला आपको घुमा रहे हैं और मटका कुल्फी हम लोग खा रहे हैं, मटका कुल्फी खाते हुए आपको घुमाते हैं सोनपुर मेला। देख सकते हैं इधर का मार्केट, मतलब कह सकते हैं हमने जो 2020 में कवर किया सोनपुर मेला उससे तो काफी अच्छा इस बार लगा है, उस बार तो कुछ लगा ही नहीं था, इसीलिए हमने उसका नाम ही नहीं दिया कोरोना काल का सोनपुर मेला। लेकिन आप मेरे आगे पीछे देखिए मार्केट इस बार काफी जबरदस्त लगा हुआ है। चलिए आपको दिखाते हैं बैक कैमरे से। और इधर आप देख सकते हैं लाठी ये सब, चोर को भगाना है तो भैया लाठी की तो आवश्यकता है, तो लाठी आपको ये सब मिलेगा। और यहाँ आपको जो है पिंजरा, मतलब कि लोहे का सामान आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और इधर आपको जो है अलमीरा ये सब मिलेगा, बक्सा अलमीरा कुर्सी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इस वीडियो में, तो मतलब कि हर एक सामान आपको मिल जाएगा सोनपुर मेला में। जी हाँ, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो देखते हैं कि और क्या मिलता है। थोड़ा और आगे बढ़े तो आप देख सकते हैं ये मिठाई, जो कि काफ़ी फेमस मिठाई है, और ये सोनपुर मेला में ही हर बार मुझे दिखता है, और कहीं पर भी मुझे मार्केट में ये मिठाई नहीं दिखता है। जी हाँ, और देख सकते हैं यहाँ लोग इसे खरीद भी रहे हैं। और यहाँ देखिए चाट, शाही कचौड़ी, पानी पनीर चाउमीन, चाउमीन सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और देख सकते हैं इस बार काफ़ी कम भीड़ है, क्योंकि मेला उतना खास नहीं लगा है,
लेकिन हाँ भैया 2020 से तो काफ़ी अच्छा लगा है सोनपुर मेला, और मटका कुल्फी जो मैं अभी खा रहा था वो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा और सामने आप देख सकते हैं। और यहाँ पर भी आपको जो है चप्पल ये सब मिल जाएगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ। और बस थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो आपको जो है, जी हाँ, फर्नीचर का दुकान मतलब कि पलंग ये सब का आपको मिलेगा। देख सकते हैं कितना सुंदर सुंदर पलंग यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। आप देख सकते हैं सोफ़ा, पलंग, यहाँ तक कि आपको ड्रेसिंग टेबल भी, वाह वाह क्या बात है, ड्रेसिंग टेबल भी आपको जो है काफ़ी सुंदर सुंदर सोनपुर मेला में आपको देखने को मिल रहे हैं। आप आइए और यहाँ से आप जो है टेबल, ड्रेसिंग टेबल सब कुछ खरीदिए। ये देखिए, ये जो पलंग है ये आपको मिलेगा 22,000 रुपये का, और आप देख सकते हैं यहाँ पे हर कुछ आपको मिल जाएगा, टेबल, कुर्सी, जो आपको लेना है सब कुछ मिलेगा। मतलब कि 2020 में जो हमने कवर किया था सोनपुर मेला उसमें ये सब खास नहीं था, लेकिन इस बार आप देख सकते हैं सब कुछ आपको मिलेगा। जी हाँ, हर तरह का पलंग लेना चाहते हैं, जैसा भी पलंग लेना चाहते हैं हर तरह का आपको, इधर ड्रेसिंग टेबल आप देख सकते हैं काफ़ी बेहतरीन है, मतलब कि हर कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इस पर सरकारी स्टॉल नहीं लगने के कारण से ग्राहक कमजोर है, ग्राहक कमजोर है बता रहे हैं, लेकिन अभी तक बिका है कि नहीं? बिका है ना, देखिए चलिए आइए और इनसे मिलिए सोनपुर मेला में, और आपको हर तरह का पलंग आपको यहाँ पर मिल जाएगा, यहाँ तक कि ड्रेसिंग टेबल जो आपको लेना है सब कुछ मिल जाएगा ना? हाँ सब कुछ मिल जाएगा। चलिए चलिए, पलंग वाले भैया से हमने आपको बात करवा दिया है, यहाँ आते हैं तो हर कुछ आपको मिल जाएगा। जी हाँ, जो चाहिए वो आपको मिलेगा सोनपुर मेला में। चलिए और आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि और क्या क्या जो है मतलब कि लगाया गया है सोनपुर मेला में। और फर्नीचर दिखाने के बाद अब हम लोग पहुँचे हैं अलमीरा वाले मार्केट में। आपको हर तरह का अलमारी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। जी हाँ, काफ़ी सुंदर सुंदर अलमारी आपको दिख रहा होगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ। और इधर आप देख सकते हैं, इधर आपको जो है बक्सा भी, जी हाँ, आपको तरह तरह का बक्सा भी आपको यहाँ पर दिखेगा। और अलमारी का देखिए डिज़ाइन कितना बेहतरीन, कितना खूबसूरत बनाया गया है। जी हाँ, और इधर आपको जो है केन, ये सब जो है घर में जो आप सामान, जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं वो सब आपको यहाँ पर जो है स्टील का बर्तन आपको जो है देखने को मिलेगा। लग रहा है कि मानो हम फिर से वापस आ चुके हैं धनतेरस में। तो फर्नीचर आपको हमने दिखाया पलंग के बाद, अब आप देख सकते हैं आपको हर तरह का अलमारी आपको यहाँ पर जो है मिल जाएगा। जी हाँ, जिस तरह का लेना चाहे उस तरह का आपको अलमारी यहाँ पर मिल जाएगा। अब यहाँ देख सकते हैं नीचे में बक्सा, ये सब जो कुछ भी आपको चाहिए वो सब आपको मिल जाएगा सोनपुर मेला में। कुर्सी चाहिए तो कुर्सी भी मिलेगा भैया, देख लीजिए इधर कुर्सी भी मिलेगा, हर कुछ मिल जाएगा आप। चलिए अब आगे चलते हैं और आपको और दिखाते हैं कि और क्या क्या हमें मिल रहा है सोनपुर मेला में। और थोड़ा मैं आगे बढ़ा तो यहाँ पर देखिए बच्चों का झूला लगाया गया है। अगर आप बच्चों के साथ सोनपुर मेला आने के लिए सोच रहे हैं तो ज़रूर आइए, यहाँ पे आप बच्चों को जो है काफ़ी इंजॉय करवा सकते हैं। तरह तरह के यहाँ पर आपको झूले दिखाई पड़ रहे होंगे, देख सकते हैं छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे झूले झूल रहे हैं। और इधर भी आप देखिए झूला कितना अच्छा अच्छा, कितना सुंदर सुंदर लगाया गया है झूला छोटे छोटे बच्चों के लिए। लेकिन मतलब कि बड़ों लोगों का तो झूला नहीं लगाया, लेकिन चलिए माता पिता, अगर बच्चे खुश हो जाते हैं तो माता पिता बच्चों को देख करके खुश हो जाते हैं। और इधर का आप मार्केट देख लीजिए कितना प्यारा लगाया गया है। और ये जो है मेहंदी का डिजाइन आप देख सकते हैं। और इधर आपको जो है जैकेट ये सब आपको जो है देखने को मिलेगा सोनपुर मेला में, और काफ़ी किफ़ायती दामों में मिलेगा। अब आपको लेकर के आ चुके हैं रेलग्राम में, ये वही रेलग्राम है जहाँ पर ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये होटल है, यहाँ पे बैठने तक का जगह नहीं होता था, लेकिन आज देखिए कितना वीरान है। और ये वीरान करने वाला आपका कौन है तो कोरोना वायरस। इस बार रेलग्राम में कोई भी मेला नहीं लगा है। जी हाँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस बार रेलग्राम में कोई भी मेला आपको नहीं दिखेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर इतनी चहल पहल होती थी कि यहाँ पर जो है भीड़ लगा रहता था, लेकिन आज देखिए। और या ये जो है आई लव सोनपुर उसको भी हटा दिया गया है, तो काफ़ी पूरा खाली है। मतलब कि अगर आप सोनपुर मेला आते हैं तो रेलग्राम में आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। जी हाँ, वो मैंने आपको दिखा दिया सोनपुर मेला में। आपको हमने सोनपुर मेला दिखाया, पीछे आपको हमने रेलग्राम दिखाया, लेकिन पिछले साल से काफ़ी बेहतरीन लगा था इस बार का सोनपुर मेला। तो इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे और किसी नए ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने भाई बहनों का ख्याल रखें, और अपने दिलीप भाई के साथ यूं ही छोटे बड़े ब्लॉग में आते रहें।